प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। तो उसमें जो वेव्स चलती हैं करंट की और वोल्टेज की, वो किस प्रकार चलती है, लो देखें। लेट अ प्योर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ ये सोर्स लगा दिया है, बीच में जहाँ की भी बना सकते हो आप ऐसे। लो की ऑन है, करंट फ्लो कर रहा है। तो इसकी अगर हम वेव्स बनाए, वोल्टेज की जो वेव बनेगी वो भी ऐसे बनेगी और करंट की भी ऐसे। ये डॉटेड है, ये करंट की वेव है और जो फेयर है ये वेव जा रही है, ये है वोल्टेज की वेव। तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो उसकी वैल्यू होती है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इफ आई इज द करंट इन द सर्किट एट दैट इंस्टेंट, मान लो आई करंट है उस इंस्टेंट दे विच, मान लो कोई टाइम लिया हमने T/4 ले लिया, तो वी किसके बराबर होगा, आई आर के बराबर। ओम्स लॉ के मुताबिक आई किसके बराबर होगा, वी बटा आर। वी की वैल्यू जहां से पुट कर दो, जहां से पुट कर दो यूजिंग वन, वन से पुट कर दो, ये बन गया वी नॉट साइन ओमेगा टी बटा आर। वी नॉट बटा आर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी। एक और दो से क्या नतीजा निकला, फ्रॉम वन एंड टू इट हैज बीन सीन दैट बोथ वोल्टेज एंड करंट इन एसी आर इन फेज विद ईच अदर। दोनों एक ही फेज में इनकी वेव चल रही है, दैट इज द मिनिमा जीरो एंड मैक्सिमम आकर एट द सेम टाइम। कहने का मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है π/2, जो T/4 जहाँ होता है ना T/4 टाइम चलता है, ओमेगा टी की वैल्यू T/4 है, T/4 टाइम होता है, तो उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ वी नॉट की मैक्सिमम करंट की मैक्सिमम। पहले जीरो में से चले तो आई भी वी भी जीरो, आई भी जीरो। जहाँ जो π/2 ओमेगा टी की वैल्यू होता है उस वक्त वी नॉट की मैक्सिमम, आई नॉट की मैक्सिमम। तो जब पाई की वैल्यू बनी, ओमेगा टी पाई के बराबर आ गया, तो उस वक्त वी की वैल्यू भी जीरो, आई की वैल्यू भी जीरो। तो 3π/2 बने, फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये वोल्टेज की वैल्यू, ये करंट की, ये डॉटेड है ना जो, ये करंट की है। जब 2π वैल्यू आ गई ओमेगा टी की, तो फिर दोनों की वैल्यू वोल्टेज और करंट की वैल्यू जीरो होगी। इससे पता चलता है कि वोल्टेज और करंट आर इन फेज विद ईच अदर। लो पावर इन एसी सर्किट, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब पावर निकाल लेती हैं, जब प्योर रेजिस्टेंस लगी हुई है सर्किट में, एसी फ्लो कर रही है और इंडक्टेंस हम जहां जीरो मान के चलते हैं सर्किट की। इंस्टेंटेनियस पावर इन एसी सर्किट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। किसी भी समय जो वोल्टेज और करंट है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है, इसकी वी मान ली, इसकी आई मान ली, आई लिख लेते हैं आई है। वी नो दैट प्योर रेजिस्टेंस द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज विद ईच अदर। जो तो प्योर रेजिस्टेंस अभी पढ़ा हमने, वोल्टेज और करंट आर इन फेज, तो साइन दोनों का देखो ना, साइन से ही पता चल जाता है कि एक जैसी इनके फेस है। जे साइन ओमेगा टी, जहां भी साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी किया हमने इंस्टेंटेनियस पावर, जो फार्मूला हमने किया हुआ है, वोल्टेज इंटू करंट वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो वैल्यू पुट कर दी, वी नॉट इंटू आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन गया। मल्टीप्लाई करोगे तो इफ इंस्टेंटेनियस पावर इज एज्यूम टू रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर स्मॉल टाइम dt, मान लेते पावर थोड़े समय dt समय के लिए कॉन्स्टेंट है, तो वर्क डन ड्यूरिंग टाइम dt, dt ये फार्मूला हमें पता, पावर गुना टाइम होता है। पावर की वैल्यू हम जहां से पुट करते, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt।
तो टाइम हमने डीटी लिया, वर्क डन ओवर कंप्लीट साइकिल, हमने पूरे साइकिल की पावर निकालनी है ऐसे पूरे साइकिल की, तो कितनी आएगी, कितने जीरो से लेकर कहाँ तक निकालनी है, टी तक, जीरो से टी। तो पावर वर्क हमारे पास जे है, जो पावर है जे बन गई हमारे पास, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी से इंटेग्रेट कर देंगे, कहाँ से लिमिट्स लेंगे, जीरो से लेकर टी तक। जे वैल्यू तो कांस्टेंट है, वी नॉट आई नॉट मैक्सिमम वैल्यूज है, जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसे इंटेग्रेट करेंगे, इसे डायरेक्टली इंटेग्रेट कर नहीं सकते, इसको चेंज करना पड़ेगा। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2। तो वही हमने फार्मूला लगा दिया, वी नॉट आई नॉट जीरो टू टी, जी वी नॉट आई नॉट लिमिट जीरो टू टी, ये 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटा 2 dt। आप इनको सेपरेटली इंटेग्रेट कर देते हैं, वी नॉट आई नॉट बटा 2 square bracket 0 t 1 dt माइनस 0 to 2 इंटेग्रेशन cos 2 ओमेगा t into dt। इसकी इंटे बाकी तो वैसे लिखी जाओ ना, वी नॉट आई नॉट बटा 2 आनी वैल्यू, इसे इसको इंटेग्रेट करेंगे तो टी बनना 0 to t लिमिट्स, माइनस इसको इंटेग्रेशन करेंगे तो sin 2 ओमेगा t बटा 2, इसकी वैल्यू आनी है sin 2 ओमेगा t बटा 2 ओमेगा आनी है। तो लिमिटें लगा दो 0 से लेकर t तक। आगे अब लिमिटे पुट कर दी हमने, वी नॉट आई नॉट बटा 2 into t माइनस 0 ब्रैकेट जे करली ब्रैकेट, माइनस जे करली ब्रैकेट sin 2 ओमेगा t, जे वैल्यू पुट कर दी लिमिट्स की, माइनस sin 2 ओमेगा t into 0, 2 ओमेगा जे नीचे है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, स्क्वेयर भी करली भी जहां भी। अब जहां बात करते हैं, वी नॉट आई नॉट बटा 2, इसकी वैल्यू तो आ गई टी, -1/2 ओमेगा sin of 2, इतने ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2π/t पुट कर दी, जे माइनस जे 2 ओमेगा इंटू 0, जे तो 0 ही ना, जे टी के साथ टी कट गया, तो जे वैल्यूज रहेगी वी नॉट आई नॉट बटा 2 into t माइनस 1/2 ओमेगा, जे sin 4π बन गया, 2 into 2 4π, sin of 4π की वैल्यू आपको पता 0 होती है, तो जे सारी वैल्यू कितनी बन जाएगी 0। तो क्या बचा, जे टी बच गया ना, वी नॉट आई नॉट बटा 2 into t। इफ पी इज द एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो पी किसके बराबर होता है, वर्क डन ओवर कंप्लीट साइकिल बटा टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, तो टाइम कितना लगा, टी टाइम लिया हुआ हमने, तो ये बन गया वी नॉट, वर्क डन तो हमने निकाल लिया, वी नॉट आई नॉट इंटू टी बटा 2, वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू टी बटा 2 इंटू 1/t, तो जे टी से टी कट जानी है, ये बन गया वी नॉट आई नॉट बटा 2, इसको सेपरेटली कर सकते हैं, स्क्वेयर रूट 2 into square root 2 लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही बन जाना, ये बन गया वी नॉट बटा स्क्वेयर रूट 2 into I0 बटा स्क्वेयर रूट 2। ये वैल्यू है आरएमएस वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, इसको हम वर्चुअल वैल्यू भी लिख सकते हैं, वर्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, इन शॉर्ट पी, ये एवरेज पावर आ गई। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्चुअल वोल्टेज इंटू वर्चुअल करंट, इफ वोल्टेज इज इन वोल्ट हो, करंट इन एम्पियर हो, तो पावर होगी इज इन वाट।